शादी हुई है, ये रोजा का नाम का वैक भी है, ये सिरोही का रहने वाला है जी। और ये डब्बा कॉलोनी में दीपक नाम का और रविंदर नाम का जो है बनिया जाति के रहते हैं, उनसे इनके इसका जो है पैसे का लेन देन था जी। और ये तीन पार्टनर में काम करते हैं, एक इनके साथ में जो है पप्पू है जी, वो बल्लभगढ़ रहता है। ये इनका जो है ब्याज का काम है, तीनों का ब्याज का काम। फाइनेंसर हैं लोग? नहीं, फाइनेंस किसानों को देते हैं ये। अच्छा। 5-6 रुपए सैकड़ा, ठीक है। और ये इनसे पैसा ये जो है बैंक की रजिस्ट्री जमीन की करा लेते हैं और जो फिर ये पैसे देते हैं जी। किसान के पास पैसा होने के बाद में अपनी जमीन उतरवा लेते हैं और इनके पैसा लौटा देते हैं। अच्छा। अब तकरीबन एक साल पहले इसको जो है रोजा खान ने अपनी और जमीन बेच कर इनका पैसा दे दिया जी, जबकि इनके पास आगे ना 1.5 कनाल जमीन की दो रविंदर और पप्पू, हाँ जो है भगवत प्रसाद उर्फ पप्पू, इनके पास जो है इसकी जमीन थी 3 कनाल 6 मरला जी। ये जो है इनके पैसा लौटा करके इनके पास पैसे के लिए आता था, कागज के लिए आता जी, कागजों। कितने रुपए लौटा दिए? कागजों का रजिस्ट्री, मेरी रजिस्ट्री लौटा दो। कितने रुपए लिए थे इन्होंने, कितने लौटा दिए थे? इसने 25 लाख 20 हजार दोनों को लौटा, 25 लाख 20 हजार दोनों को लौटा दिए। 3 लाख रुपए इसने टोटल पहले लिए थे, 3 लाख के 25 लाख बना चुके थे। अब इनके जो है ये तकरीबन सरोई के एकाध 20 लोगों ने इनसे जो है जमीन लिखवा रखी है और पैसा ले रखे है। ये किसी की जमीन को उतरवा देते, किसी को नहीं उतरवा देते। जमीनी कागज वापस नहीं कर रहे थे लोग? ये कागजों के पीछे चक्कर काट रहा था, इन्होंने जो है इसको कागज वापसी नहीं दिए। पता नहीं अब इन्होंने ये क्या किया है, क्या नहीं किया, तो कैसे मारा है, शक क्या आपको, कैसे मारा है? हमारे जो शक है, हमने जैसे जाके देखा, हमें शक हो रहा जैसे जहर दे के मारते हो, मारा हो। ये इनके गाँव के ही वो जो बनी है जिनके घर ये आया था, वो इनके गांव के ही हैं। इनके आपस में पैसे का लेन देन भी पड़ रहे हैं जी। और अभी इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है कि इसके सच ये था कि भाई मैंने इसकी गड़ा गोट पे या कोई जहरीली वस्तु दे के इसको। तो मामला क्या था सर? मुकदमा दर्ज कर दिया है, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी हवाले किए जा चुकी है और तफ्तीस के साथ। पूरा इन्हें घटनाक्रम क्या बताया, किसके किससे लेन देन था, कितने का लेन देन था, कोई जमीन रखी हुई थी वो लौटा नहीं रहे थे, कुछ कह रहे तो पूरा भी नहीं सामने। तो कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा किया? 3 लोगों के खिलाफ।